रिंग वेलकम टू अनदर व्लॉग दोस्तों, आज का व्लॉग जो है बर्ड्स, मेरे पास कुछ पट्टे जो मैंने आपको दिखाए भी थे वो जवान हो गए थे, तकरीबन 1.5 साल के हो गए हैं वो, तो उनके फीडर्स निकालने सबसे पहले डीएनए के लिए कोई चीज किसी फीडर भेजने से पहले आपने इस तरह के स्लिप तैयार कर लेनी है, जैसे मैंने बनाई भी है, जिस तरह मैंने लिखा है बर्ड नेम ये सन किन्योर और रिंग नंबर, अभी जैसे ही मैं उसको बर्ड को पकड़ूंगा उसके पाँव में करूँ गला वो यहाँ पे मैं रिंग नंबर लिख लूँगा। फॉर्म नेम SBK साइंस बर्ड्स किंगडम, अभी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ मैं SBK। इसी तरह 5 बर्ड है, 1, 2 दूसरा सन किन्योर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 सन किन्योर हो गए और 2 रिंग नेक आ गए मेरे पास, ठीक है। इसी तरह मैंने रिंग नेक लिख लिया, रिंग नेक राइटिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना दोस्तों, राइटिंग को गोली मारो, काम पे फोकस करो, ठीक है। उसमें रिंग नेक सिर्फ और सिर्फ अंदाजन ये करूंगा कि एक डार्क है और एक डबल फैक्टर में एक सिंगल फैक्टर में, तो ऐसा करूंगा एक सिंगल फैक्टर करूंगा उसको खुद से एक नंबर दे दूंगा कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सनक्रियों से शुरू करते हैं, शोर बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सनक्रिया शोर करते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होगी आपको आवाज क्लियर आए, लेकिन फिर भी अगर आवाज में थोड़ा बहुत इशू आता है तो उसके लिए पहले एडवांस में मदद करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बर्ड से सबसे पहले जो है फीडर निकालते हैं और सेलेक्ट करते हैं। कर देखा है बर्ड ने छलांग मारना शुरू कर दी, उसके लिए अकेले बंदे का ये काम नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ हो जाए पॉसिबल, शायद तो हो जाए, ठीक है, कोशिश करते हैं। बर्ड को हमने पकड़ लिया दोस्तों, बड़ी मुश्किल से एक बर्ड काबू में आ गया, अब इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के मैं आपको एक केसी बर्ड लेने का तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है। इसको बड़े आराम से प्यार से पकड़ लिया, माशाल्लाह ये पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पकड़ता हूँ ताकि आपको आसानी से जो रेंज का मैं कह रहा था वो ये रेंज करें आप। बिस्मिल्लाह, ये आ गया 129 और SBK, देखें ये मेरे फॉर्म का रेंज चला गया SBK 129, ठीक है, ये आप देख चेक कर सकते हैं। और अब इसके फीडर निकालने का बेहतरीन और आसान तरीका मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसके फीडर निकालने कैसे हैं, ठीक है। ये साइड पे जो है ना ये वाला फीडर छोटी कलियां निकालनी है, बड़ी कलियां निकालनी है, ठीक है। ये कुछ कलियां निकालनी है मैंने, शॉपर खोलता हूँ मैं, एक साइड की कलियां इसमें डाल दी, अभी दूसरी साइड खोलते हैं, दूसरी साइड ले लेते हैं और दूसरी
दूसरी जगह ये होती है, ये तुम वाली जो जगह है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो जगह है ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जगह जो है यहाँ से खींचे, ठीक है, ये पार निकाल लीजिए, ये डाल दिए, और तीसरा जो है ये पार भी निकाल के इस साइड के भी इसमें डाल दिए, ठीक है, ठीक है, ये इसमें डाल दिए पार। अब जो है जो अगला काम है वो ये है कि इसका रिंग नंबर यहाँ पे लिखते हैं ना कि भाई इसका रिंग नंबर कौन सा है, सॉरी इसमें SPK 129 यहाँ पे चेक करो जी, यहाँ रिंग नंबर वाली जगह लिखती है SVK 129, ठीक है, ये आ गया इसका रिंग नंबर, ठीक हो गया SVK 129, इस तरह रिंग नंबर हमें लिख देना इसका। अब वो रिंग नंबर लिखती है इसके बीच में, तो मैंने जो क्लिक कर लिए इसके बीच में, इस पर्ची को अपने इसके बीच में डाल दूंगा, ठीक है, मैं पहले बर्ड छोड़ दूं फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ, वहां से पकड़ा अब दूसरे केज में से छोड़ने लगा हूं मैं, ठीक है, काफी सारे दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि कैसे सब दोस्तों का अलग अलग बताऊंगे कहाँ से कौन से प्रॉब्लम है, तो बेहतरीन तरीका ये है जो मैंने आपको दिखाया है, करने लगा बेहतरीन के समय लोग कहते हैं कि इस तरह पट्टियां बनाओ अपनी, ये करो वो, चिपकने वाले स्टिकर लेके आओ, ऊपर चिपकाओ, इतनी लंबी सरदर्दियों में पड़ रही, ठीक है, बेहतरीन तरीका है, बस ये काटती है, ठीक हो गया, काटने के बाद ये पर्ची जो हमने की थी ये चेक करें SVK 129, ये वाली पर्ची और ये इधर, अब मैं डालने लगा हूँ इस पर्ची को इसके बीच में, ये डाल दिए इसके बीच में, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये हो गया पैक। बाद लोग इसके ऊपर चिपकाने वाला वो यूज कर देते हैं जो हमारे पास नहीं था, ठीक है, हमारे पास वो चीज अवेलेबल, हमारे पास पेपर था, पेन था, हमने सिंपल लिख के बीच में फीडर्स डाल दिए ताकि काम चल जाए हमारा, हमें पता चल जाए फिर कि मेल और फीमेल है, तो बेहतरीन तरीका ये भी बेहतरीन तरीका ऊपर चिपकाने वाला ही बेहतरीन तरीका। अब दूसरा जो है, अब एक और बर्ड पकड़ते हैं, उसका रिंग नंबर लिखते हैं और वो डालते हैं उसी तरह स्थानीय किलोर वाली पर्ची पे लिख के डाल दिए, ये एक हो गया। अब अगला क्लैक एक और बर्ड पकड़ते हैं, करने के बाद ये अब इसका रिंग नंबर चेंज होगा, ठीक है, इसका रिंग नंबर आ गया जी SVK 112, ये आपको नजर भी आ रहा हो शायद SVK 112, ये बर्ड। अब इसके फीडर निकालते हैं और दूसरे शापर में डालते हैं। अब उसी तरह ये दोम वाले पार जो हैं, ये पकड़े छोटे छोटे, ये पकड़े ऐसे आराम से खींच लिए, ये खींच के इसके बीच में, कपड़े भी मेरे गंदे हो गए हैं लेकिन चले कोई बात नहीं, ये दोम वाले पार डाल दिए, ठीक है, ये छोटी सी कलियां निकाल दी, ठीक हो गई, ये इस पर छोटी कलियां निकाल दी, बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया, ये डाल दी बीच में। अब जो है उसका रिंग नंबर हमने दोबारा से क्या करना, रिंग नंबर गोली में लिखना है। अब इसका नंबर SVK 112
SBK112, ठीक हो गया, ये हमने नंबर लिख लिया है SBK112, ये नंबर हमने लिख दिया। अब इस पर्ची को हम उसमें डाल देंगे, उस एनवेलप में, इस बार को छोड़ते हैं, फिर उस एनवेलप में डालते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, काफी सारे दोस्त तंग हो जाएंगे, वीडियो देखने के लिए तंग हो जाएंगे। अभी इतना वर्ड पता है, दिखाने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने वर्ड पकड़े हैं उसी तरह वर्ड पकड़ के उसके भीतर निकाल के DNA के लिए आप भेज सकते हैं। अभी ये वर्ड पकड़ लूँ, बाकी वर्ड से पकड़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह वायलेट पे मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं वायलेट को पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, फिदर निकालते हुए एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना है कि किसी और बर्ड का फिदर शावर के अंदर ना जाए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है DNA में मसला आ जाता है, तो वो फिदर मिक्स होने की वजह से, ठीक है। कोशिश आप ये होनी चाहिए जब भी फिदर डालें आपके हाथ में कोई फिदर ना हो और शावर के अंदर कुछ, और जिस जगह पर आप वो शावर रखा हुआ है उस जगह से कोई फिदर अंदर ना जाए, ठीक है, ये कोशिश आपने जरूर करनी है। तो जी दोस्तों, सन क्लियर हो गए हैं, क्लियर सन क्लियर वाला जो जितने भी वर्ड है सन क्लियर क्लियर हो गए हैं। अब हमारे रह गए दो वर्ड रिंग ने के, वो भी पकड़ते हैं, उन्हें भी ये पकड़ के इंशाल्लाह वो भी आप दे सन क्लियर क्लियर हो गए हमारे। रिंग नेक में मैंने आपको कहा था कि रिंग नेक में रिंग नहीं डरे हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सीन ऐसा किया है कि ये चेक करें, बर्ड नेम वायलेट रिंग नेक, कलर कलर सिंगल फैक्टर, बर्ड नेम वायलेट रिंग नेक, कलर डबल फैक्टर, ठीक है। फार्म का नाम लिखना भूल गया हूँ, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे जो सिंगल फैक्टर है उसकी फीदर डालूंगा, यहाँ पे जो डबल फैक्टर है उसकी फीदर डालूंगा, ठीक है। वो जज होता है कि कौन सा डबल फैक्टर और कौन सा सिंगल फैक्टर, लेकिन अगर आपको जज नहीं होता तो सबसे पहले आप बाजार से रिंग लेके उसके पाँव में डाल के देन जो है आपने उसका DNA करवाना है, ठीक है। अब पकड़ते हैं वायलेट को। दोस्तों आप वायलेट को पकड़ने लगे, आ जाओ। वीडियो काफी लंबी होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले आ गया डबल फैक्टर वाली मार्जी, ठीक है। ये डबल फैक्टर वाली मार्जी के सामने, एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच छः सात, सात वर्ड्स थे, सात के सातों के जो है फीदर्स वगैरह निकाल दिए। तो ये अब DNA के लिए भेजेंगे, DNA के लिए वो अलग से एक ब्लॉग बना के आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि किस तरह DNA के लिए भेजते हैं और कैसे भेजा जाता है और कितने टाइम में ये वापस आते हैं, उस पर कम्प्लीट एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। तो
तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को दबाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।